तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों ने सेमेस्टर 2 में इंग्लिश को एज अ जेनरिक इलेक्टिव यानी कि जीई का पेपर रखा है, उनका क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आता है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो बीए, बीकॉम या बीएससी कुछ भी कर रहे हैं, सेमेस्टर 2 में है और जेनरिक इलेक्टिव जिसे जीई बोलते हैं अगर इंग्लिश है तो क्वेश्चन इसी टाइप से बनेंगे। चाहे आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हो, कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, मीडियम चाहे कुछ भी हो। ठीक है, देखिए 2020 से 23 के सेशन में पूछा गया पेपर है। समय आपको जो है 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 100 होता है जिसमें से 80 नंबर इस पेपर में और 20 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये जो 80 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है ये 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 30 नंबर कॉलेज की ओर से दिया जाता है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 100 का 100 सभी एग्ज़ाम ले लिया जाता है। ठीक है, समय लेकिन सभी जगह 3 घंटे ही दिए जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो स्पेशली आपको इस पेपर में जो है बोला जा रहा है कि आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट एज डायरेक्टेड, यानी कि पेपर को यूनिट यूनिट में बांटा गया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। तो इस पेपर में आपको जो है 3 यूनिट देखने को मिलेंगे। यूनिट 1 आपका कितने नंबर का है, तो 30 नंबर का है, यूनिट 1 30 मार्क्स का है। इसमें 15 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। यूनिट 2 भी आपका 30 मार्क्स का है, यानी यूनिट 3 आपका 20 मार्क्स का है। तो कुल मिलाकर पेपर 80 नंबर हो जाएगा। एंड एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 15 अंकों वाले 2 प्रश्न हैं, तो 15 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको 400 से लेकर के 450 शब्दों के बीच में लिखना है। कितना? 400 to 450 वर्ड्स के बीच में। अगर आप इतने शब्दों के बीच में लिखते हैं तब आपका जो आंसर होता है वो एक आइडियल आंसर माना जाता है, एक आदर्श आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से हैं। तो इस क्वेश्चन इसका इंग्लिश और साथ में मैंने हिंदी भी ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो देखिए क्वेश्चन मैं 1-2 पढ़ूंगा, उसके बाद आपको स्वयं पढ़ना होगा कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉरेज इलस्ट्रेट फ्रॉम द टेक्स्ट। ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ब्रिंग आउट द मेन पॉइंट्स ऑफ एसे प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन बाय एम के गांधी। एम के गांधी मतलब है मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का ही पूरा नाम है, इसे शॉर्ट में एम के गांधी कहा जाता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ठीक है, डिस्कस द थीम ऑफ अ स्टोरी थीप। तो आपका सॉरी गाड़ी जा रहा है ना, तो आपको शोर सुनाई देता होगा, इसके लिए सॉरी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, ये आपका अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी द थीप बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है, सॉरी पुस्तक बोल रहा हूँ, अ स्टोरी लिखा गया है द थीप, चोर। तो उसके बारे में आपको जितने भी कमियाँ हैं उसको निकालनी है, क्रिटिलिज्म करना है। अब आता है यूनिट 2, देख लीजिए ये यूनिट 2 है, इसमें भी आपको 15 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं, फिर उस टाइप से आपको आंसर करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया, राइट अ ब्रीफ नोट। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें नॉवल के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, 4 में से केवल 2 ही प्रश्नों के आंसर करने हैं आपको। अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ विंस्टोन स्मिथ, ये कौन थे विंस्टोन स्मिथ, उसके बारे में रेखाचित्र आपको अंकित करना है। एंड आता है यूनिट 3, इसमें आपको 5 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। यूनिट 3 आपका 20 मार्क्स का है, इसमें 5 अंकों वाले 4 प्रश्नों के आंसर कीजिएगा। एंड 5 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आपको 100 से लेकर के 125 शब्दों के बीच में करने हैं। ठीक है, 100 से 125 शब्दों के बीच में। देखिए ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो चलिए इसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पूरा इसका हिंदी भी है, तो इजीली आप लोग, मैं म्यूजिक लगा दे रहा हूँ, सुनिए एंड इजीली देखिए। पहले एक बार हिंदी को पढ़ लीजिए, उसके बाद इंग्लिश को पढ़ लीजिएगा। ठीक है,